बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब से लाइव हूँ जी आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट ये है कि आप हम साथ आज मैं शेयर करूंगा आईफोन वालों का आईफोन 11 न्यू नहीं है जी, यूजेबल है, इस्तेमाल शुदा है। इसकी कंडीशन वगैरह और इसके प्राइस क्या है इस वक्त की सऊदी अरेबिया की मार्केट वगैरह में, ये आपके साथ इसी वीडियो में शेयर कर देता हूँ। तो देखते हैं जी आज की वीडियो फिर आईफोन 11 के साथ। तो ये रखा जी आपके सामने आईफोन वालों का आईफोन 11। सिंपल 11 है जी, यूजेबल में है, इस्तेमाल शुदा में है। आप भाइयों के साथ इस वक्त के इसके लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहे हैं सऊदी अरेबिया की मार्केट वगैरह में, इस कंडीशन का कितने का सेल हो रखा है, ये तमाम डिटेल इस वीडियो में शेयर कर देता हूँ। बाकी आप भाई मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं इसके लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहे हैं। अपने भाई हिसाब से मोबाइल देखिए, उसके बाद आप भी मुझे कमेंट में बताइए। सबसे पहले बैक साइड से बात करेंगे, मिरर वगैरह कैमरों के नीचे एप्पल वालों का लोगो, कैमरों के मिरर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ओके हैं जी, कोई मसला नहीं है। साइडों पर कलर वगैरह बिल्कुल ओके, कैमरों के ऊपर कोई खराश का निशान या इनके अंदर कोई धूल वगैरह तो नहीं है? नहीं है जी, बिल्कुल ओके है, कोई मसला ही नहीं है। कैमरों के मतलब तो मोबाइल आईफोन्स में खासकर ओके ही मैं देखता हूं, क्योंकि भाई इनकी सेफ्टी बहुत ज्यादा की जाती है। नीचे एप्पल वालों का लोगो देख लेते हैं, इनके इसके ऊपर कोई खराश वगैरह तो नहीं है? नहीं है जी, इसके ऊपर भी कोई खराश नहीं है, बिल्कुल ओके है, कोई मसला नहीं है। बैक साइड से मैं कोई किसी किस्म की खराश नहीं देख रहा हूं इस मोबाइल से। तो स्पीकर ग्रिलिंग वगैरह चेक कर लेते हैं, अभी उनके ऊपर तो कोई मसला नहीं है। बैक साइड से तो ये आईफोन 11 बिल्कुल ओके है जी, इसमें कोई मसला नहीं है। स्पीकर ग्रिलिंग में हल्की फुल्की धूल मैं हर मोबाइल में देखता हूं यार, ये यूजेबल मोबाइल में होता है, ये कोई मसला नहीं है। खास नजर रखिए चार्जिंग की जगह पर, इसमें भाई कोई किसी किस्म की रिप्लेसमेंट का मसला ना हो। अगर ये रिप्लेसमेंट हो तो फिर आपके मोबाइल के प्राइस डाउन हो जाते हैं। साइडों से चेक करेंगे, कोनों से चेक करेंगे, सॉरी सिम निकालने की जगह और पावर ऑन ऑफ का बटन, कहीं कोई मसला तो नहीं है जी। कोनों से चेक करते हैं, डिस्प्ले में अभी चेक करते हैं, डिस्प्ले में कोई किसी किस्म की खराश का निशान या दाग धब्बे का चोट का निशान ये तो नहीं है जी। सेल्फी कैमरा चेक करते हैं, ऊपर वाली स्पीकर ग्रिलिंग देख रहा हूं मैं, ये भी ओके है, में मसला नहीं है। 12-12 मेगापिक्सल के कैमरे यूज किए जाते हैं बैक साइड पर और फ्रंट सेल्फी कैमरा भी इसका, ये तो आपको पता होगा जी। अभी मैं आपको कैमरे का रिजल्ट भी चेक करवा रहा हूं, 12 मेगापिक्सल का ये इसके दोनों कैमरे ही, बैक साइड पर आप कोई भी इनमें से चलाकर चेक कर सकते हैं। तो कैमरे का रिजल्ट भी ओके है। अभी आप भाइयों के साथ मैं इसकी बैटरी हेल्थ भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। भाई काफी कमेंट करते हैं कि बैटरी हेल्थ जरूर बताइए करिए हर मोबाइल की। तो इसकी बैटरी हेल्थ यहां पर आपको शायद मैं जूम करके दिखा रहा हूं, देख लें जी, 89% यानी कि 90% बोल रहे हैं आपको, 90% जिस मोबाइल की बैटरी हो वो बैटरी भाई गुड कंडीशन में आती है, यानी कि बेस्ट है जी, इसमें कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। डिस्प्ले के लिहाज से 6 इंच का इसका डिस्प्ले रखा जाता है। बैटरी वैसे कि भाई 3100 mAh की ओरिजिनल भाई आईफोन की तरफ से यूज़ की जाती है। अगर सेल्फी कैमरे की बात करें तो आप उससे भी भाई 3D 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, 64GB 4GB रैम के साथ, 128GB 4GB रैम के साथ और 256GB 4GB रैम के साथ, यानी कि रैम एक ही है जी, लेकिन स्टोरेज वाइज तीन इसमें आपको मिल जाएंगी। 512GB स्टोरेज इसमें अवेलेबल नहीं होती है जी आईफोन 11 में। तो ऐसे यूजेबल आईफोन 11 के जो कि 128GB है 4GB रैम के साथ, आप भाइयों के साथ ये शॉप वाला इस वक्त इसके 2300 रियाल मांग रहा है। तो मैंने उसको बोला यार ये 2600 से 2700, 128GB वाला भी 2800 या 2900 के राउंड में न्यू मिल जाता है, तो वो मुझे बोल रहा है मैं काम ही मांग रहा हूँ यार। तो फिर भी उसमें भाई अगर आपको इस कंडीशन का मोबाइल 2000 के अराउंड में मिलता है, मेरे हिसाब से तो आपके लिए बेस्ट है जी। बाकी आप मुझे कमेंट में बता भी सकते हैं, किसी और मोबाइल के मतलब जानना हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।